अंदर की नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से ये तीन क्रिमिनल जो एक गैंग का अरेस्ट हुआ और उनसे एक ब्लैक बक जिसे कृष्णा जिंका भी कहते हैं, एक बच्चा दस महीने का बच्चा का रिकवरी हुआ। ये ब्लैक बक जिसे कृष्णा जिंका कहते हैं, ये कृष्णा और गोदावरी रिवर के पास ओपन एरिया में, प्लेन एरिया में मिलता है और बहुत लोग, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसका हंटिंग, इसका किलिंग बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको मारते हैं और इसी कारण से ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसमें 3 साल का सजा भी होता है। तो इसमें जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें मोहम्मद अनवर अली सन ऑफ मोहम्मद महमूद अली एज 58, ये मुर्गी चौक हुसैनी आलम के रहने वाले हैं और ओरिजिनली बहादुरपुरा का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद जावेद एलियस दाऊद, ये भी मुर्गी चौक हुसैनी आलम का है। और तीसरा चापला सिद्धैया जो कि बीसी कॉलोनी पेबेर वनपर्ति का रहने वाला है और ओरिजिनली में एक प्रोफेशनल हंटर है, शिकारी है ये। मोहम्मद अनवर बहुत दिनों से, करीब 40 साल से मुर्गी चौक में रहता है और छोटे छोटे एनिमल्स और बर्ड्स पक्षियों का ये व्यापार करता है। उसी सिलसिले में ये खरगोश की बिक्री में जावेद से इसकी दोस्ती हुई और बाद में ये लोग वनपर्ति जाकर वहाँ चापला सिद्धैया फिशरमैन से मिले पेबेर वनपर्ति में और कृष्णा रिवर बेल्ट में वो लोग जाकर ये लोग इसको पकड़ कर लाए। और ये लोग जनरली मार्केट में 3,000 रुपये केजी का ये मीट बेचते हैं इसका। और बहुत ऐन मौके पे हमारे टास्क फोर्स ने ये ऑपरेशन किया और इस इनोसेंट एनिमल को, एक मासूम एनिमल को सेव किया, बचाया। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से भी कोऑपरेशन मिला और हम लोगों ने मिलकर ये पूरा काम किया है। आप लोग के लिए नॉलेज के लिए, ये ब्लैक बक का जो साइंटिफिक नेम है एंटीलोपे सर्वी कैपरा और इसको इंडियन एंटीलोप भी कहते हैं और हिंदुस्तान के अलावा ये नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और इस जानवर का नेचर, ये दिन में घूमता है और रात में रेस्ट करता है। जो एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस एनिमल को रेड लिस्ट में रखा है कि इसको आपको बचाना है, इसको मारना नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान की सरकार ने भी 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ब्लैक बक को मारना एक अपराध करार किया और इसमें उसकी सजा की भी का भी सिस्टम है। तो आज ये पूरे ऑपरेशन के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से मिलकर हमारे एडिशनल DCP चक्रवर्ती गुम्मी और उनके साथ S राघवेंद्रा, V नरेंद्रा, N श्रीसाइलम, मोहम्मद थकीउद्दीन और साउथ जोन के तमाम टास्क फोर्स के ऑफिसर ये राइट टाइम पर इंटरफियर करके एक मासूम एनिमल को सेक्रीफाइस होने से बचाए, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। Thank you.